अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबके? कैसी तबीयत है? कैसा गुजरा आज का आप लोगों का दिन? इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अभी इस वक्त बज रहे हैं रात के 12 बज रहे हैं और 20 अक्टूबर हो चुकी है। मेरी आंखें आप देख सकते हैं, नींद है और लाल लाल भी है नींद की वजह से। तो हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, ठीक है। अभी हमारी जो है वो, अब मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ, डोंट वरी डोंट वरी। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू एन अदर ब्रांड न्यू व्लॉग ऑफ इरम जावेद व्लॉग्स। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और हमेशा अपनी हिफाजत में रखे और आप लोगों की हर मुश्किल को आसान बनाए आप लोगों के लिए, और हर जल्द से जल्द आप लोगों को हर मुश्किल से निकाल दे। दुआ मैं स्टार्ट में भी देती हूँ, एंड पे भी देती हूँ, क्योंकि दुआ का कोई टाइम नहीं होता कबूल होने का। अल्लाह ताला कभी भी कबूल कर लेते हैं और किसी की भी दुआ कबूल हो सकती है। तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप सबके लिए मेरी दुआ है, अल्लाह ताला आप लोगों की हर परेशानी दूर करे, आप लोगों को हर परेशानी से जल्द और बासानी निकाल ले और मुश्किल आपकी कम करें। आमीन सुम आमीन। तो जी ये देखिए, ये मेरा सामान बिल्कुल रेडी है, सदफ़ का सामान, नमाज़ पढ़ी है, सामान हमारे रेडी हैं। हमारा जो चेक इन लगेज था वो जा चुका है, ये हमारे हैंड कैरीज हैं, ये हमारे साथ प्लेन में जाएंगे। तो जी रेडी हो चुके हैं और अभी 12:30 पे जो है हमारी ग्रुप फ़ोटो है, एक पूरी टीम की तस्वीर होगी, वो भी आपको दिखाएंगे जब थोड़ा सेटल हो रहा होगा। फिर उसके बाद जो है फिर हमने 1 बजे निकलना है, ठीक है। तो अभी तो टाइम है लेकिन हमें 12:30 के हिसाब से नीचे जाना है, और फिर ऑब्वियसली नीचे लॉबी में ही रहेंगे, वहीं से फिर हम बस में बैठेंगे। ये सामने एयरपोर्ट है, बिल्कुल 5 मिनट पे हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, और 3:30 की हमारी फ़्लाइट है दुबई की। तो इंशाल्लाह फिर आपको दुबई का भी दिखाएंगे, डोंट वरी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ओके जी, देखते हैं। और अगर मुझे विंडो सीट मिलती है तो फिर तो मैं आप लोगों को वहाँ लैंडिंग और सब दिखा सकूँगी अच्छा। अगर आइल मिल जाए तो ठीक है, और अगर बीच वाली रो मिल जाती है तो फिर तो चले हंसी मजाक इन सब के साथ चलेगा, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो जी अब नीचे जाते हैं लॉबी में, ठीक है। और फिर नहीं, उससे पहले मैं आपको अपनी फुल लुक तो दिखा दूँ। ये देखिए देखिए लुक मेरी, आप देखेंगे ऐसा। ओके, अब मैं आप लोगों को लुक अपनी फुल कैसे दिखाऊं, ऐसे दिखा सकती हूँ, देख रहे हैं? गुड। मेरे ये शूज, और ये हमारा ट्रैक सूट है, इसका ट्राउजर अप, स्लीवलेस अपर, और ये हमारी ट्रैवलिंग शर्ट है, ठीक है जी। तो अब आप लोगों से नीचे जाके मुलाकात होती है। सदफ आप रेडी हो गई हैं? हो रही हूँ, बहुत हो रही है। टेंशन। ओके जी, अब सदर रेडी हो रही है। तो उतनी देर मैं आपको जो हूँ बाकी सबके दिखाती हूँ कि बाकी सब कितने रेडी हैं और क्या कर रहे हैं। सदर भी उतनी देर रेडी होकर आ ही जाएगी, तुम तो खुल जाओ, दादा खोल के रखो। ओके अभी देखते हैं, अभी तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। सिदर और आलिया को देखते हैं क्या वो रेडी हुए हैं कि नहीं, फिर हमें आइडिया होगा, क्योंकि 10 मिनट रह गए हैं। हेलो, आप रेडी हैं सिद्रा में? आलिया किधर है सिद्रा में? आलिया रियाज दो यूट्यूबर मिल गए हैं, और पता नहीं क्या बनेगा। पता नहीं, अभी तो मैंने सिद्रा ये कहा है कि जरा सबको ऐसे खूबसूरत वो जो दुबई का एक व्यू आता है ना, लैंडिंग वाला, वो दिखाना। हाँ जी बिल्कुल, ये बात भी ना सही। सिदरा प्लीज जरा 1 मिनट बंद करके अगर आप मेरी शर्ट देख रहे हैं मैं कैसी लग रही हूँ, फिर नाइस, वेरी नाइस। और सिदरा आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं, आपका जूता बहुत अच्छा लग रहा है यार। चलो जल्दी पहनो। मेरी भी व्यूअर्स का जी प्लीज, ये सिदरा को देख लें, ये सिदरा फुल लग रही है। ओहो, ये हैं गुलाम फातिमा, आ चुकी हैं, एक और एंट्री आ चुकी है। आप मेरे जरा देखने वालों को भी दिखा दीजिए, वैसे मैंने उन सबको अपनी लुक दिखा दी हुई है। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन फिर भी मुझे दिखा सकते हैं पूरा, देख ले मुझे, देख ले देख ले देख ले। थैंक यू जी। सो लॉबी की तरफ जाते हुए अभी दूसरी लिफ्ट पकड़ेंगे और वहां से फिर नीचे जाएंगे, वहां पे तस्वीर होगी। सो हम नीचे आ चुके हैं, यहाँ पे चेकआउट हो रहा है और यहाँ पे तस्वीर होनी है। सब लोग बैठे हैं,
चलो जी चेकआउट करें। और यहाँ पे फोटो होने लगी है, खूबसूरत। था हमारा होटल रॉयल स्विस। अब हम लोग जा रहे हैं, बाहर निकल चुके हैं हम अपने बसेस। ओह वाओ, हो रही हमारी बसेस, बसेस की तरफ जाते हुए हम लोग बस में आगे बैठ चुके हैं। एज यूजुअल सिद्रा आगे बैठ चुकी है। आलिया प्लीज से हाय, गुलाम फातिमा से हाय। हाय आलिया प्लीज। हाय। ओके, पूरी बस में और अभी अभी मैं थी सामने बिल्कुल। बाय। चलें जी, अब हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं, आपसे एयरपोर्ट में मुलाकात होगी। थैंक यू बताने के लिए सबको। क्या आप एयरपोर्ट जा रही है टीम को लेके? बिल्कुल जी बिल्कुल, फ्रंट में तो आप बैठी हैं। फ्रंट में मैं हूँ, ये गाड़ी मैंने चलानी है और आगे पायलट के साथ जगह नहीं मिलती जी। ओके जी, सो हम रास्ते में हैं और बिल्कुल सुनसान है सारी जगह, लेकिन वो गाड़ियाँ जाती नज़र आ रही क्योंकि एक बज रहा है, 3:30 की हमारी फ्लाइट है। ये वो एयरपोर्ट आपको नज़र आ रहा होगा। बस इस वक्त भी इतना रश है, वो आगे तक आपको नज़र आ रहा होगा, इतना रश नजर ही नहीं आ रही। ये लोग सारे बाहर खड़े हुए हैं, तो हमने जाना है, हमें रास्ता मिलेगा। अभी हमें वेट करना है, रास्ता क्लियर होगा फिर जाएंगे। वी आर वेटिंग फॉर द इमिग्रेशन। अभी हम वेट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई इश्यू चल रहा है, पता नहीं जो भी है, कोई सेटलमेंट चल रही है। जी सिद्रा मीन यस, पता नहीं आलिया किसी काम में फंस गई और हम भी फंस गए हैं, आलिया ने हमें फंसा दिया। A few moments later. ओके जी, सो बोर्डिंग पास और सारा कुछ हो चुका है। अब जो है हम लोग वेट कर रहे हैं फ्लाइट का, जो कि 3:30 पे है और अभी 2 बजे हैं, अभी टाइम बहुत है। तो अभी हम बस जस्ट यहाँ बैठे हैं सिद्रा, अभी तो 2 बजे हैं, अभी तो 1.5 घंटा है, अभी काफ़ी टाइम है, काफ़ी टाइम है। और गुल्ली भी है और नींद बहुत आई हुई है। हाँ नींद तो बहुत है, तो लेट्स सी के फ्लाइट में सो जाते हैं या दुबई जाके थोड़ा सा एक नैप ले लेंगे या जैसे भी, लेट्स सी। तो बस अभी वेट कर रहे हैं, कुछ खाते पीते हैं और बस बातें शाते चिट चैट चल रही है। ये पीछे वहीदा है। हाँ जी, फैन मूवमेंट चल रहे हैं इधर, ये फैंस आ रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। आपकी सीट नंबर क्या है? 24 न्यू सीट आई है प्लेन में, और ये आप लोगों ने सर्च कर दी है। टी मींस टेल, टेल लैंड जाओ जो सबसे ऊपर बैठता है। जी जी प्लीज जी, ये देख सिद्रा आप भी तस्वीर ले लें प्लीज इनके साथ। 1 hour later. एक बार फिर लंबी लाइन प्लेन में जाने के लिए। वेट कर रहे हैं हम लोग अभी। किस चीज की लाइन लग रही है? बहुत नींद आ रही है। नींद आ जाए। प्लेन में जा रहे हैं।
Not business class this time, but next time inshallah. हम बहुत पीछे बैठे हुए हैं. मैं अभी जाती हूँ जाके आप लोगों को और भी दिखाती हूँ जरा. इकोनॉमी क्लास का आज रिव्यू करवाते हैं. हेलो 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 बिजनेस सॉरी इकोनॉमी क्लास रिव्यू. वेट करना होता है जब आगे से सामान रख रहे होते हैं तो हमें वेट करना होता है. चलें जी चलें जी चलें. अस्सलाम वालेकुम. हम तो बहुत ही एंड पे हैं भाई. ज़्यादा ही एंड पे चले गए हम तो. कोई बात नहीं अभी 23 आया है. हमने 44 पे जाना है. चलें फिजियो ये हमारे सर लोग बैठे हुए हैं. हमने और पीछे जाना है भाई. ओके हेलो. सो वी आर हियर. Oh my god यार, this is almost tail dumb. Sidra T, Sidra तेरी 44 T almost T. हाँ हमारी किस्मत में लिखा हुआ है या सबसे आगे वाली सीट है या सबसे पीछे वाली. हाँ बिल्कुल ऐसी है. या सबसे आगे या सबसे पीछे. तो जी अब हम आ चुके हैं गुल्ली की तरह. गुल्ली नहीं कोई जानती है पिछली सीट उतर कसम से एनजी लगता है. 44 जे जे इधर हूँ मैं. चलें जी मैं जरा अपना बैग रख लूँ इधर ऊपर. ऊपर बैग रख लूँ मैं फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ. दो मिनट वेट कीजिए. ओके जी. तो अब मैं जरा आपको थोड़ा सा इकोनॉमी क्लास का मैं जरा रिव्यू देती हूँ चीज़ों का. और सीट का ये जो कुशन कैसा है, सॉफ्ट है, ब्लैंकेट है, पिलो है, और इसके अलावा ये जो आइस, ये जो स्क्रीन है, ये सारा मैं आपको रिव्यू देती हूँ. ओके तो सबसे पहले तो हम सीट पे आ गए थे और आके जो है हमारी सीट पे ये एक ब्लैंकेट था. ठीक है. और ये जो ब्लैंकेट है वो कह लें कि एक ठीक है अच्छा मतलब स्टफ़ है जो मेरे ख्याल में गर्म तो कर देता है. ठीक है. एक वो है. फिर एक आप कह लें कि हाँ ये एक कार्ड मिल. ओहो ये देख लें अभी से देख लें हाल क्या हो रहा है. ये एक कार्ड है. ठीक है. ये सब देख लिया करें. ये इसमें आप शॉपिंग, ये एक मैगज़ीन टाइप है जिसमें शॉपिंग है. ये जो है एक माइक है. इसको मैंने खोला हुआ है. खोला हुआ ये माइक पड़ा हुआ है तो ठीक है. अच्छी अच्छी है वैसे क्वालिटी. लेकिन ये जब कानों को लेकिन कवर कर देता है और आप अच्छे से जो है वो मूवी या सॉन्ग्स अच्छे से सुन सकते हैं. इट्स गुड. तो दिस इज़ नाइस. लेकिन देर इज़ ऑलवेज यू कैन से अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट. सो ठीक है. ये है. अभी मैंने वैसे बेल्ट बांध दी है. मैं बेल्ट खोल के दिखाती हूँ आपको. ये पकड़ो गुल्ली आप. मेरे जी राइट साइड पे गुल्ली बैठी है और लेफ्ट साइड पे सिदरा अमीन बैठी है. तो जी ये देखिए ये है सीट. अच्छी है भाई. कंफर्टेबल तो है. और ये देखें ऐसे बंद हो जाती है. लाइक इसको आप अपने सर के हिसाब से आप इसको बना सकते हैं. ठीक है. ये हमें मिला पिलो. गुड. हाँ ठीक है. मेरे हिसाब से तो पिलो बहुत पतला है. मैं इतने पतला तो नहीं लेती खैर. लेकिन छोटी फ्लाइट है, दुबई की फ़्लाइट है, दुबई तक तो ठीक है. उसके हिसाब से पिलो ठीक है. और जी आप फिर आगे आ जाते हैं. हम इस पे आते हैं. पहले हम इसको लगाते हैं. ये है इसके दो जो हैं इसका पिन्स. इसकी टू पिन वाला ये है. और सिद्रा आप सुन रही हैं? जी
जी जी मैडम, आप सुन रही हैं? ओके गुड। अब जरा मैं ये जी, इसमें आप एक ये रिमोट आ जाता है, इसको आप निकालते हैं बाहर, ठीक है जी, निकालते हैं बाहर, तो ये आप अपना आगे पीछे आप चैनल्स और ये चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। और वापस आप इसको पुश करके तो आप इसको वापस एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चले जाते हैं बैक पे, और ये एमिरेट्स वर्ल्ड खुल गया है। हम जाते हैं होम पे, यहाँ पे जाते हैं एंटरटेनमेंट पे। ओके थैंक यू। तो ओके जी, सो ये आ गया हमारा एंटरटेनमेंट। यहाँ पे मूवीज़ हैं, टीवी है, पॉडकास्ट हैं, गेम्स हैं, आइस टीवी लाइव है, दुबई है, और म्यूज़िक है। तो हम मूवीज़ में चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मूवीज़ जो है वो अच्छा, यहाँ पे देखें, ये ऊपर माइल्स लिखा आता है, ये उनकी न्यूज़ चल रही होती हैं अरबिक में भी, इंग्लिश में भी। यहाँ जब वाईफाई, ये मेरा है, अच्छा यहाँ पे जब वाईफाई ऑन होता है तो तब जो है वाईफाई आ जाता है। लेकिन अभी जो है, आजकल बता रहे थे कि कुछ फ्लाइट्स में जो है वो इंटरनेट का थोड़ा सा इंटरप्शन है, वो सही चल नहीं रहे हैं। तो जी ये हैं डिफरेंट मूवीज़, आई थिंक इसी के अंदर ये देख सकते हैं, क्लासिक बॉलीवुड लिखा है, बॉलीवुड अरेबिया, न्यू बॉलीवुड। अगर हम न्यू बॉलीवुड खोलते हैं तो इसमें डिफरेंट जो हैं वो मूवीज़ हैं, मिथु, शाबाश मिथु भी है, मिथाली राज की मूवी है। और आपको मैं अगर पाकिस्तानी दिखाती हूँ, हमारी पाकिस्तानी मूवीज़ भी होंगी। अगर मतलब ये दुबई तक की फ़्लाइट पे तो आप एक ही मूवी देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना टाइम होता है तो वो एक ही मूवी तक का टाइम बनता है, और फिर लैंडिंग की तरफ जो है वो हम शुरू हो जाते हैं, तो एक ही मूवी चलती है। तो ये मूवीज़ हैं, इसमें मुझे पाकिस्तानी मूवीज़ बहुत कम हैं, होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। चलिए ये मैं रिकमेंडेशन में अगर आया मेरे पास तो मैं डाल दूँगी, ठीक है। ये धोनी वाली भी है, और क्लासिक बॉलीवुड खोल लेते हैं। तो जी ये डिफरेंट मूवीज़ हैं, ठीक है जी। और ये जी सिंपल सा एक रिव्यू है, और ऊपर जो है वो बैगेज रखने की सारी जगह है, ये मैंने आपको बता दिया है। लेग स्पेस जो है वो थोड़ी सी कम है, लेकिन जो इनकी न्यू प्रीमियम इकोनॉमी आई है उसमें जो है लेग स्पेस, मैंने सुना है कि उसमें जो है वो अच्छी है लेग स्पेस। अभी तक मैंने उसमें ट्रैवल तो नहीं किया, इकॉनमी में, इकॉनमी प्रीमियम में, हाँ बिजनेस क्लास में किया है, और ये इकॉनमी में हमने किया है। तो अब जैसे ही जब कभी उसमें करेंगे तो उसकी लेग स्पेस का मुझे आइडिया हो जाएगा। अभी तो यहाँ अभी लेग स्पेस ऐसी ही है, ठीक है। ये हम लोग बैठे हुए हैं सारे, और ये ऊपर देख लें, ये फैंस हैं, फैंस लगे हैं, एसी जिसको कह सकते हैं। ये साइन है जब ऑन ऑफ होंगे, और ये लाइट्स हैं, क्या कैबिन क्रू को जब आपने बुलाना है तो ये वाली लाइट ऑन हो जाएगी, जब आप बुलाएंगे तो यहाँ से बुलाएंगे। ये है किधर गया, ये ठीक है, ये ऊपर देखते हैं कि ऑन होता है कि नहीं। हाँ ऑन हो गया, बंद कर दिया, ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं, बंद हो गया। ओके वेरी गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंट्स। सो जी कैप्टन जो है वो ज़रा अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा रिव्यू था जो अभी मैंने दिया इकॉनमी क्लास का, ऑब्वियसली आप लोगों को आइडिया होगा जिन्होंने ट्रैवल किया है, जो ट्रैवल करते हैं। तो सिद्धरा, अब आपकी नींद का क्या ख्याल है, हाल है? बस नींद तो बड़ी आई है, मैं लेता ट्रैवलिंग में जब मैंने जाना बेशमार तो पिंपल मेरे मुंह पे आ जाते हैं। हाय हाय, हाँ मुझे लगता है पानी नहीं सूट करता ना, लेकिन फिर भी हम हाँ, लेकिन मुंह हाथ धोने वाला जो होता है वो तो हो सकता है, मुझे लगता है पानी तो मैं सूट नहीं करता, ये वजह हो सकती है। तो जी इंशाल्लाह बाहर का भी हमारे पास सीट भी आ चुकी है, और हमारे पास आयल सीट भी है, क्योंकि यहाँ भी खुली। जी कैसी हैं आप? आप ठीक हैं? गुड। अब आप अच्छा फील कर रही हैं, एंजॉय कर रही हैं? जब तो ऐसे लग रहा है जैसे नींद है। हाँ लेकिन जब चलेंगे तो खैर से फिर नींद आ ही जाएगी, हाँ माहौल बनेगा। और अब आपने कोई मूवी सोची है, कौन सी मूवी देखनी है? ओके चलें जी, मैं भी जो हूँ अब कोई
मूवी सर्च करती हूँ और फिर उसके बाद जो है फिर मूवी देखते हैं, और साथ साथ आपको जैसे कि खाना आएगा या कुछ आएगा तो उसका भी साथ साथ रिव्यू चलेगा। ओके वाओ यार खूबसूरत, ये अभी हमने टेक ऑफ किया है यार, खूबसूरत माशाल्लाह। अल्लाह ताला खैर खैरियत का सफर हो और खैर फिर से पहुंचे। ये हमारी सारी सोई हुई जवान थोड़ी देर सो गए थे, अभी उठे हैं, अभी थोड़ा सा उठी हूँ और सितरा भी उठ गई है। हम लोग जो है खाना आया है, नाश्ता, ये जी नाश्ता आया है, मैंने मंगवाया है चिकन ऑमलेट है, और सितरा और गुलाम फातिमा ने मंगवाया है आलू पराठा। तो दिस इज़ चिकन ऑमलेट, ये भी ग्रोनोला है, ये मेरे ख्याल में हाँ ये मीठा है, ये पानी है, और ये बिस्किट, ये बन, एंड दिस इज़ चिकन ऑमलेट। सो मैं खा के अब आप लोगों को टेस्ट बताती हूँ, लेकिन थोड़ा वेट करें अभी। 2000 years later. Good morning. मैं आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाता हूँ। आप सुबह को अच्छा जा रहा है। सुबह हो रही है बाहर। बस हम लोग आधे घंटे में जो है बस लैंड करने वाले हैं। चुके हैं और हमने फ्लाइट चेक करें, नेक्स्ट जो है वो गेट कहाँ है, और हम लोग यहाँ खड़े हैं वेट कर रहे हैं, यहाँ से अंदर जाएंगे कनेक्टिंग फ्लाइट्स के लिए। ट्रेन में जाने लगे हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं, हमने बी गेट्स पे जाना है। ओके नशरा, नींद में है आप? हमारी ट्रेन आ चुकी है, लेट्स गो। पहले वो बाहर निकलेंगे फिर हम अंदर जाएंगे। बहुत नींद आ रही है, खाया भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ बैठेंगे। ओके अपने बैग्स को पकड़ लीजिए। सिद्रा मीन बंद होने लगे। अब हम जा रहे हैं, हमने बी गेट्स पे जाना है। Please hold on. Train is departing. El qatar yughadir al alf. Rush bahut hai yaar. पांव रखने की जगह नहीं मिलती, कसम से बहुत रश है। अब हम हमारा गेट आ गया है B31A. सो अब हम अपने गेट की तरफ जा रहे हैं। रश बहुत। अब इधर से जाते हैं भाई। कितनी खूबसूरत लग रही है। ये आ गया जी फेमस ड्यूटी फ्री शॉपिंग, और हमारा बी गेट है B19 उस तरफ है। यस हमें B31 पे जाना है, तो B19 टू B32 उधर है। ये जी ड्यूटी फ्री, ड्यूटी फ्री बस लिखा है लेकिन समझ नहीं आती। ये जी यहाँ से शॉपिंग करें, खाएं पिए, मज़े करें, मौजे करें। तो अब हम एमिरेट्स लाउंज में आए हैं, जो कि बिजनेस क्लास और सारे मेंबर्स के लिए है, जो कि प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर। तो अब हम खाने के लिए जा रहे हैं, आगे लगा हुआ खाना, तो हम वहाँ जा रहे हैं। ये लोग कहाँ से हैं? बैग ले दिए। अच्छा अच्छा। ओके जी, सब हम फ्रेश होके अब हम खाना नाश्ता करने लगे हैं। खाना कह लें लेकिन नाश्ता है हमारे लिए। तो ये तो प्लेट्स लेंगे और हम फिर नाश्ता करेंगे। ठीक है जी, दुनिया भरी है, कोई जगह नहीं है यहाँ पे। सिर्फ प्लेट कहाँ से लेनी है? हमें वीडियो बनाने की पड़ी।
हमने प्लेट कहाँ से लेनी है सीट? प्लेट्स पठान इधर बहुत ज़्यादा प्लेट्स मिल जाएंगी। हम जरा फोन छोड़ेंगे, लाइन लाइन इतनी लंबी हो रही है। चलें जी हम नाश्ता कर लें, ज़रा नाश्ता हम थोड़ा बहुत जमा करके फिर आपसे बात करते हैं। ये जी मेरा ब्रेकफास्ट, अब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी देन आप लोगों से बात करूँगी। One hour later. हम लोग सो गए थे और अब जो है हमारी नेक्स्ट फ्लाइट है तो हम उसके लिए बस भागम भाग काम चल रहा है। ये देखें बस निकल रहे हैं, लेकिन बड़ी मज़े की नींद आई है और सुकून से सो गए, जगह भी मिल गई थी। बस अब हम लोग अपने गेट की तरफ जा रहे हैं और फिर बस प्लेन में जा रहे हैं ढाका के लिए। गेट पे आ गए हैं, जा रहे हैं और ये हम बस पर लग गए थे। ये थोड़ा इनका डिफरेंट है, पिछले वाले का डिफरेंट था, वो लेटेस्ट था, ये थोड़ा सा पुराना है। ठीक है, और लेग स्पेस भी वैसी थोड़ी इसमें बेहतर लग रही है, शायद मेरी इधर आइल सीट है इसीलिए मुझे बेहतर लग रही है। लेकिन बस इंद्रा इधर आ गई है और हमारी यहाँ पे कोई भी नहीं है दोनों तरफ, और मैं इधर बैठी हूँ, हम आराम से लेट भी जाएंगे और इजी हो गया। ये देखे जी मैंने और सिद्रा ने तस्वीर बनवाई है उनके कैमरा से, और ये देखे कैसा, अब इसको थोड़ा सा और ड्राई होगा तो ये और अच्छे से आ जाएगी। गुड पठान, ठीक है, और इस फ्रेम में लगाएंगे और ये देखे किस फ्रेम। यस, तो ये आ गई हमारी तस्वीर, नाइस। मुझे याद है मैंने आप लोगों को तो बताया ही नहीं कि नाश्ता जो है मुझे इतना अच्छा नहीं लगता एमिरेट्स का, लेकिन इस फ्लाइट में सो गई थी और फिर जब उन्होंने आके उठाया कि जी खाना खा लें, मुझे खाना बहुत पसंद आता है इनका, ये सैलड है, ये मीठा है और चिकन और राइस थे वो मैंने खा ली हैं। ठीक है, और ये देखें लाइव मैच आ रहा है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का। यस, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का लाइव मैच चल रहा है तो अब हम वो एंजॉय करेंगे और साथ साथ खाएंगे। 2000 years later हम ढाका पहुंच चुके हैं, लैंड कर चुके हैं, अभी अभी बस थोड़ा पेपर वर्क हो रहा है देन फिर जी ये हमारा प्लेन है अभी जो हम चट्टग्राम जा रहे हैं ढाका से। ओके, हम इस बस से आए हैं और हम इस प्लेन में जा रहे हैं ATR। ये जी हमारा छोटा सा प्लेन स्टार्ट होते ही खत्म हो गया। जी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल, अपनी डेस्टिनेशन, और मैं आपको दिखाती हूँ ये होटल देखें। ओके जी, कैसा लग रहा है? अब अपने अपने रूम्स में जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? और वहाँ जाके बस मैंने आपको अल्लाह हाफिज़ कर दिया। कैसा लग रहा है? दो दिन तो नहीं, एक दिन, मतलब उतना ही हो गया ना। पहले दिन भी तो हम खुआरी हुए थे जो सुबह से निकले शाम को वापस आए थे। हाँ ये भी बात है। चले, खुआरी के बाद अब तक कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन। चलें जी बस अब ऊपर रूम में जाके आपको अल्लाह हाफिज़ करती हूँ मैं, बहुत हो गया जी। रूम में आ चुके हैं
और अब हम 12:12 है मेरा रूम नंबर। ऊपर से नज़र आ रहा है, मेरा फ़ोन ही ना गिर जाए। और यहाँ से इधर, और ये सारे रूम्स हैं, और मेरा रूम है ये। ओके, ये बाकी सारे उतर हैं रूम्स में, वो नीचे सर जो बैठ जा रहे हैं, ये ऊपर लड़कियाँ, हम इधर। तो जी अब रूम खोलते हैं क्या जी, आ जाए मेरे साथ साथ ही आप लोग रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ये क्या बात है, वाओ ब्यूटीफुल। ओहो जी, वेलकम वेलकम वेलकम, वाओ वाओ ब्यूटीफुल। यहीं से भाई जी शुरू कर लें आप लोग। ये जी हमारा वॉशरूम आ चुका है, ये हमारी कबर्ड आ चुकी है, ठीक है। और ये हमारे कबर्ड, ठीक है जी। इसमें क्या है, यहाँ खुलता नहीं, ये नहीं खुलता। ये छोटी सी मिनी फ्रिज चीज़ें रखी हैं। ये जी बेड आ गया है, इधर ये टीवी लगाया है। अभी व्यू तो आप लोगों को समझ नहीं आ पाएगी कि जी बाहर का क्या व्यू बनता है, तो ये कल ही होगी तो नज़र आएगा। और काफ़ी लग तो प्यारा रहा है कोई व्यू बाहर का, ये तो कल होगी तो समझ आएगी जब सुबह। तो अभी हम इसको अब आगे कर देते हैं कर्टन्स को। ओके, इतनी थकावट हो गई है, लेकिन ना रूम देख के अल्हम्दुलिल्लाह सारी ये जगह देख के ऐसे थकावट ना उतर गई है। अभी हम लोगों ने कुछ ना कुछ ऑब्वियसली कुछ ऑर्डर करते हैं, कुछ खाएंगे, खाना नहीं खाया हुआ। तो जी आप लोगों ने सारा व्लॉग देखा, मेरे साथ रहे और टीम को देखा, हलचल देखी, ट्रैवलिंग देखी, खाना पीना देखा और एमिरेट्स देखा, सब कुछ देखा। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे हमारे मैचेस हैं, प्रैक्टिसेस हैं, फिर उसके बाद अब हम यहाँ से 10 दिन बाद ढाका जो है ना वहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, तो वहाँ पे हमारे मैचेस होंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान। चलें जी अब व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा, इंशाल्लाह और भी व्लॉग्स आएंगे, आप लोगों को साथ साथ अपडेट रखूंगी, डोंट वरी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला आप लोगों की हर मुश्किल आसान करे, आप लोगों को हर मुश्किल से जल्द और बासानी निकाल दे। मेरे माँ बाप, मेरे फैमिली, मेरे बहन भाई, मेरे दोस्त, मेरे जितने भी जानने वाले, उन सबको अपनी दुआओं में याद रखें, सबकी अल्लाह ताला मुश्किल हल कर दे। और चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। चैनल पे न्यू है तो आपका इंतजार था, चैनल पे पहले से तो क्या बात है। और जी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।